तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और कल दो दिन होगी। तो मिशन 2024 के लिए रणनीति बनाएंगे बीजेपी के दिग्गज। बैठक के पहले दिन पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी होगा। तो 1 किलोमीटर का भव्य रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 35 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। तो दोपहर बाद 4 बजे से शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी आज और कल। ये दो दिन की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मिशन 2024 के लिए रणनीति बनाएंगे बीजेपी के दिग्गज। तो आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होगा। तो 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। इसके बाद बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सहित 35 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और कल दो दिन होगी। और मिशन 2024 के लिए रणनीति बनाएंगे बीजेपी के दिग्गज। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, अगर बात करें तो आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में ये जो बैठक होने वाली, कितनी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, क्योंकि अगर बात करें इस बैठक में तो कई राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण बैठक, इसके अलावा इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। आपको बता दें, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर के दौरे से सीधे आज उस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो करेंगे, इसमें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि ये बैठक मिशन 2024 के तहत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रणनीति तय करेगी, उसको लेकर आज ये अहम बैठक मानी जा रही है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और प्रधानमंत्री भी जो है 1 किलोमीटर का भव्य रोड शो करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ 35 केंद्रीय मंत्री और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस जो है रोड शो में शामिल होंगे। साथ में आपको ने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रदेश के जवान राज्यों की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन बैठक के जरिए आने वाले 2024 की रणनीति तय कर रही, ताकि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें आपने देखा होगा कि जो 16 सीटें लोकसभा की हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करे, उसको लेकर तमाम तरीके के जो संगठनात्मक बैठक है वो लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही। तो आज ये जो दिल्ली में जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल है, हालांकि उनके भी कार्यकाल की उसमें चर्चा होगी, तो उनको आगे भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है कार्यकाल आगे सौंपा जा सकता है। तो जिस तरीके से लगातार 2024 के रणनीति के तहत कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अविनाश, अगर बात करें तो हम देखते हैं कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, यानी कह सकते हैं कि बीजेपी हमेशा ही पूरे समय इस तैयारी में रहती है कि आने वाले वक्त में जो भी चुनाव है उसमें किस तरह से प्रदर्शन किया जाए। ऐसे में अगर बात करें तो कई राज्यों में बीजेपी के संगठन दल भी हैं, और ऐसे जगह भी हैं बीजेपी के कई राज्यों में जहां पर बीजेपी को चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा। तो क्या इस बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी कि विपक्षी दलों को किस तरह से काउंटर करना है, जो सहयोगी दल है उनके साथ किस तरह से तालमेल बिठाना है? देखिए, सहयोगी दल की अगर बात करें तो तमाम जो सहयोगी दल है उनके साथ भी संगठनात्मक बैठक की जा चुकी है। आज की अगर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज की अगर बैठक की बात करें तो इसमें तमाम जो वरिष्ठ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तमाम जो उत्तर प्रदेश सहित तमाम जो 12 राज्य हैं उनके जो है मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, तो अपनी रणनीति तय कर रही है कि किस तरीके से बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता तक जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही जिस तरीके से लगातार निकाय चुनाव हो या फिर कह लीजिए लोकसभा चुनाव हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा उम्मीद रहते हैं कि जो है अपने संगठन बैठक के जरिए जो है अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन के लोग हैं, वो लगातार बैठकें करके आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होनी है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल होंगे। तो तमाम जो कह सकते हैं कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव रणनीति तैयार करने के लिए
पहले से ही एक्टिव है। अविनाश, अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल भी जो है वो समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है, तो क्या पार्टी जो है वो जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है? देखिए, बिल्कुल, अगर सूत्रों की माने कि आज जो बीजेपी की कार्यकारिणी की जो बैठक है वो बैठक इसीलिए अहम है क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है। अगर सूत्रों की माने तो उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष और जो जनता पार्टी के हैं उनके भी कार्यकाल की चर्चा हो सकती है। तमाम जो संगठन है उनके भी जो लोगों के जो चर्चा है वो जोरों से है कि उत्तर प्रदेश में जो संगठन के जो पदाधिकारी है उनका भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जिसको लेकर अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यहाँ पर अहम बैठक हुई थी जिसमें तमाम जो मामलों की चर्चा चल रही थी। अगर आपको बताएं तो जिस तरीके से जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है और उस पर चर्चा हो रही है कि एक बार फिर से जो है जेपी नड्डा को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है कमान फिर से एक बार उनको संभाल जाएंगे, तो उसको लेकर तमाम तरीके से बैठकें जो है उनसे पहले भी उत्तर प्रदेश में बैठकें यहाँ पर हो चुकी हैं। आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम इस तरीके के जो संगठन के जो लोग हैं उन पर चर्चा हो सकती है कि उनके कार्यकाल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जी अविनाश, धन्यवाद आपके इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और कल दो दिन होगी और मिशन 2024 के लिए रणनीति बनाएंगे बीजेपी के दिग्गज, और बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो भी होगा।